हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूं कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो किस प्रकार से आप एक ऑटो जनरेटर टूल भी बोल सकते हैं, ऑटो पायलट मेथड में किस प्रकार से आप अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो लिंक आपका क्लिकबैंक का हो या एनी अदर एफिलिएट प्रोग्राम। ओके, कोई भी आपका एफिलिएट प्रोडक्ट हो सकता है। मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें आपको कंटेंट भी ऑटो जनरेटेड तरीके से मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो। ये है बहुत आसान करना, प्रैक्टिकली मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार इस चैनल की किसी वीडियो को देख रहे हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्री ट्रैफिक सोर्सेज, ब्लॉगिंग, इन सब चीजों में इंटरेस्ट है जो कि आज की डिमांड भी है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर रोज इनसे जुड़े हुए अपडेट्स फ्री में मिलते रहें। अभी हम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू द इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, अभी के समय में मोस्ट पॉपुलर जो एफिलिएट प्रोग्राम है और जिस पे अपने रेगुलरली बात करते हैं वो है क्लिकबैंक या फिर डिजिस्टोर 24। ओके, आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास क्लिकबैंक का अकाउंट नहीं है। ओके, तो ऐसे में हम आज के इस वीडियो में एग्जांपल लेने वाले हैं डिजिस्टोर 24 का। इसमें से एक प्रोडक्ट को अपने पकड़ेंगे, ऑटो जनरेटेड वे में अपने उसका कंटेंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद जानेंगे किस प्रकार से आप ऑटो पायलट वे में उसको प्रमोट कर सकते हैं। ओके, दैट इज वेरी सिंपल, और जितना ये कहना को आसान है उतना ही ये करने को भी आसान होने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो। ओके, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही चीजें आप कॉमेंट बॉक्स में पूछते हो जो कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका होता हूं, तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को पूरा देखो। आपने वीडियो को ओपन कर ही लिया है तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ। तो अगर आपके पास क्लिकबैंक का अकाउंट है तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, आप प्रोडक्ट कोई भी प्रमोट कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि जो मैं ट्रैफिक सोर्स बता रहा हूँ वो कोई डेडिकेटेडली किसी एक कैटेगरी पे बना हुआ, ऐसा तो है नहीं। आप कोई भी प्रोडक्ट वहां पे चूज कर सकते हैं। ओके, बट मेक श्योर जो मेरी हमेशा से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप रहती है कि जब भी आप किसी फ्री ट्रैफिक सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आंखें बंद करके कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले आप उस प्लेटफॉर्म पर सर्च कर लो। ओके, सर्च करो कि भाई वहां पर कौन सा ऐसा कंटेंट है, किस कीवर्ड पर ज्यादा इंगेजमेंट मिलती है, तो आप उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करो, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, यू कैन डेफिनेटली गेट सेल्स। ओके, इस चीज को आप ध्यान में रखा करो। तो हम अभी यहाँ पर डिजिस्टोर 24 में है और इसमें लॉग इन किया हुआ मैंने, और हम जाएंगे डेटिंग, लव एंड रिलेशनशिप में, जस्ट बिकॉज ऑफ हम ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसके अंदर कॉन्टेंट हमें क्रिएट ना करना पड़े। ओके, तो इसके लिए मैं जाऊंगा डेटिंग, लव एंड रिलेशनशिप में। यहाँ पर काफी अच्छे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वैसे सीक्रेट ऑब्सेशन आपको क्लिक बैंक पर भी मिल जाएगा, एंड देन ये वाला एक प्रोडक्ट है, इसके बाद स्क्रोल डाउन करेंगे और एक ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट करने वाले हैं हम, रिलेशनशिप री राइट मेथड। आप समझते हैं, नाम से पता चलता है कि डेटिंग से रिलेटेड है और डेटिंग कैटेगरी में भी है। हालांकि इसके एनालिटिक्स उतने अच्छे नहीं है, बट मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये सारी चीजें आप इसके अंदर कई और भी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ भी कर सकते हो, जैसे कि सीक्रेट ऑब्सेशन, तो उसमें भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, इसके अंदर 90% कमीशन अवेलेबल है और $30 आप अगैन एंड अगैन, ओवर एंड ओवर अर्न करते रहोगे जितनी बार भी लोग आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे या फिर इसको बाई करेंगे। अंडरस्टैंड, अभी यहाँ पर आना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सेल्स पेज आप देखना चाहते हो देख सकते हो, इट्स फैबुलस। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एफिलिएट सपोर्ट पेज पे। ओके, यहाँ पे लिंक दिया रहता है, इस पे आपने क्लिक करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कुछ आपको ऊपर मेन्यूज मिलेंगे, इसके अंदर आपको जाना है ईमेल्स में। ईमेल्स में आओगे तो आपको यहाँ पर कुछ ईमेल्स मिल जाएंगे, तो आप इनको यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ओके, इनका इस्तेमाल कहाँ पर करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए डेटा मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देन जो सेकंड स्टेप है हमारा कंटेंट के लिए, जो हमें कंटेंट चाहिए इसको प्रमोट करने के लिए, वो किस प्रकार से हमें ऑटो पायलट वे में ऑटो जनरेटेड मिलने वाला है वो देखिए। ओके, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है आर्टिकल्स एंड लैंडिंग पेजेस। ओके, इसके अंदर क्लिक करना है आपने, देन आपको आना है कस्टम पीडीएफ रिपोर्ट्स, और जैसे आप कस्टम पीडीएफ रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपको 3 ईबुक्स मिलने वाले हैं, और इन ईबुक्स के अंदर आपके एफिलिएट लिंक्स ऑटोमेटिकली इंबेडेड होंगे। आपको ईबुक्स अलग से डाउनलोड करके उसको एडिट करके उसके अंदर अपने एफिलिएट लिंक्स इंसर्ट नहीं करने पड़ेंगे। ओके, दैट इज ऑटो जनरेटेड, आपका लिंक्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंबेडेड मिलेगा आपको। इनमें से किसी भी ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेरी सिंपल प्रोसीजर है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आना है सबसे पहले स्टेप नंबर 3 में, और यहाँ से आपको अपनी पीडीएफ सेलेक्ट करनी है जो भी आप लेना चाहते हो। ओके, जैसे कि मैं यहाँ से सेकंड वाली सेलेक्ट करता हूँ, द अट्रैक्शन ट्रिगर, देन आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर अपनी डिजिस्टोर की एफिलिएट आईडी यहाँ पर डालनी है। ओके, इसके बाद ये जो स्टेप है ये सारे ऑप्शनल है, यहाँ पर आपको ट्रैकिंग आईडी डालनी होती है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ट्रैकिंग आईडी आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो।
इतना सा काम करना है, हमने सिर्फ यहाँ पर एक पीडीएफ को सेलेक्ट किया है, देन अपनी एफिलिएट आईडी वहाँ पे डाली है, उसके बाद एम नॉट रॉबर्ट यहाँ पे आपको टिक करना है। आफ्टर दैट सिंपली आपको जनरेट पर्सनलाइज्ड पीडीएफ इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और अभी ये ओपन हो रहा है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से ये पीडीएफ दिखने वाला है। ओके, ये 14 पेजेस का एक पीडीएफ है जिसके अंदर शानदार कवर है और यहाँ पर अच्छी पीडीएफ है। अब आपके लिंक्स इसके अंदर कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एवरी पेज के नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा विजिट ओवर फ्री प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू बिकम हिज सीक्रेट ऑब्सेशन। ओके, ये सीक्रेट ऑब्सेशन जो इसके वेंडर हैं प्रोडक्ट के, उन्हीं का ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखो, ओके, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये लेके जाएगा वहाँ पर। ओके, ये देखिए तो सभी पेजेस के नीचे आपके एफिलिएट लिंक्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब सिंपली करना क्या है कि आपको इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अब ये तो बात होगी कंटेंट हमारे पास है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली सिंपल सी बात है, और हमने कंटेंट जनरेट भी नहीं किया है, ऑटो जनरेटेड तरीके से हमें कंटेंट मिल चुका है यहाँ पर। लेकिन अगर आप कोई और प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ से एक्सीप्योर सेलेक्ट करते हैं या जावा बर्न, कोई भी एनी अदर आपका प्रोडक्ट हो सकता है कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हो अगर उसमें इस तरीके की आपको ऑप्शन नहीं मिलती है कि ऑटो जनरेटेड वे में आप कंटेंट वहां से मिल जाए आपको, तो ऐसे में आप क्या करो कि PLR ebooks को डाउनलोड करो, जो तरीका है मैनुअली करने का। डाउनलोड करने के बाद उसको सहजदा नाम की एक वेबसाइट है वहां पे लेके जाओ, उसके अंदर अपलोड करो और वहां से आप उसको एडिट करके अपने एफिलिएट लिंक्स वहां पे डाल सकते हो। ओके, और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस में आपको ये चीजें बताई हैं तो आपको पता होगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारे पास तो कंटेंट है तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं इसके अंदर। एक अच्छी बात क्या है कि आपको अलग से कोई यहाँ पे इसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर कहीं भी किसको प्रमोट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लिंक्स जो है हमारे वो ई बुक्स में है, तो आपको यहाँ से एफिलिएट लिंक्स लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक ईमेल स्वाइप को यहाँ पर जरूर यहाँ पे रखा हुआ है और मेरे पास अपना एफिलिएट लिंक भी है, हालांकि एफिलिएट लिंक की यहाँ पे जरूरत है नहीं, बट हम इसको डिस्क्रिप्शन के रूप में या टाइटल के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम जानते हैं कहाँ पर इसको प्रमोट करना है, जहाँ पर हमें ऑटो पायलट वे में इस पे ट्रैफिक मिले और हमारी वहाँ से कुछ सेल्स निकले तो हमें अर्निंग हो कमीशन के तौर पर। तो इसके लिए आपको जाना है गूगल में, देन गूगल में आपको टाइप करना है freeebooks.net, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे देख लीजिए free-ebooks.net, freeebooks.net इज द इंटरनेट हैशटैग वन सोर्स ऑफ फ्री ईबुक्स डाउनलोड्स। ओके, तो आपने इस पे क्लिक करना है तो आप इनकी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट का इंटरफेस शानदार इंटरफेस है, और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं इट्स फैबुलस। और अब इसकी कुछ एंगेजमेंट मैं आपको चेक करवा देता हूं, जैसे कि अगर मैं यहां पर वेट लॉस सर्च करता हूं, आप कोई भी कीवर्ड सर्च करके देख लीजिए, मैंने सिर्फ वेट लॉस एग्जांपल के तौर पर सर्च किया यहाँ पर। इसकी कुछ एंगेजमेंट हम यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो वेट लॉस पर काफी सारा कंटेंट है, और यहाँ पर आप व्यूज वगैरह देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड्स एक्चुअली, तो यहाँ पे डाउनलोड्स देखो 67,000 से भी ज्यादा यहाँ पर डाउनलोड्स है, इस पे देखो यहाँ पर 32,000 से भी ज्यादा डाउनलोड्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिंग भी है, 35 टाइम्स लोगों ने यहाँ पर रेटिंग भी दी है, इट मीन्स कि यहाँ पर अच्छे खासे डाउनलोड्स आपके हो सकते हैं आपके ईबुक के। अगर आपके ईबुक का कवर पेज थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, तो जो कि आप कैनवा में बना सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री, तो आप यहां पर ज्यादा डाउनलोड्स ले सकते हैं। जितने ज्यादा लोग आपकी ईबुक को डाउनलोड करेंगे, उतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो लोग उसके अंदर जो लिंक्स हैं उस पर क्लिक करें और आपके प्रोडक्ट तक रीच करें। अंडरस्टैंड? तो इस वेबसाइट का यूज करने के लिए मैं आपको इसका ट्रैफिक भी दिखाऊंगा, जो कि लगभग 1 मिलियन के आसपास है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली ज्वाइन फ्री पे क्लिक करना है। देन आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, देन कंप्लीट योर साइन अप पे क्लिक करना है, फिर आपको पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है। आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा, तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा और आप बड़े इजी वे में इस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं आपको लॉगिन करके ये दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर हमें अपना ई बुक पब्लिश करना है। तो गाइज अभी मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, आप देख सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल लॉगिन इन है, और अभी हम जानते हैं किस प्रकार से आपको इसके अंदर अपनी ईबुक को पब्लिश करना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जस्ट आपको यहाँ पर पब्लिश का एक बटन दिखेगा, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको अपनी ईबुक का टाइटल देना है, यहाँ पर आपको ऑथर नेम लिखना है, मतलब आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पर, देन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर टाइटल कॉपी करते हैं, ये जो डेटा है मैंने ईमेल स्वाइप से लिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि आप एफिलिएट रिसोर्स पेज से ले सकते हो, और टाइटल को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन ऑथर नेम में आप अपना नाम लिख सकते हो। अब आपको यहाँ से अपनी ईबुक को सिलेक्ट करना है। ओके, मैंने ईबुक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। देन आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, लेकिन आप कवर इमेज जरूर से अपलोड करें। इसके लिए आप कैनवा का भी इस्तेमाल कर सकते हो और बढ़िया एट्रैक्टिव इमेज बना सकते हो। जस्ट आप अपने पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे कि ये है, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर के कैनवा में आप उसको डालो और इसका बढ़िया आप कवर इमेज बना सकते हो। अभी के लिए मैं कवर इमेज नहीं डालने वाला हूं। उसके बाद यहां से आपको बुक का टाइप सिलेक्ट करना है, मैं नॉन फिक्शन में रखूंगा। देन इसकी आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है,
मैं यहाँ से साइकोलॉजी सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद इसको मत सेलेक्ट करिएगा, ओके इसको छोड़ दीजिएगा लास्ट वाले को। देन यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स डालने हैं, लाइक टैग्स यहाँ पे लगा सकते हो आप। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ टैग्स मैंने लगा दिए है, उसके बाद आपको इस पर टिक करना है एंड देन आपको अपलोड पे क्लिक करना है। ओके गाइस, तो जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, एज यू कैन सी योर सबमिशन इजंट कंप्लीट येट। ओके, तो एक स्टेप बाकी है जो कि ऑप्शनल है, आपको इसके लिए स्क्रॉल डाउन करना है, देन यहाँ पे सबमिट विदाउट प्रोमो इस पे आपने क्लिक करना है। ओके गाइस, तो आपकी ईबुक अभी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं योर ईबुक इज नाउ क्वेड फॉर रिव्यू, यानी कि आपकी जो ईबुक है वो रिव्यू में चली गई है और थोड़े ही समय में ये आपकी ईबुक जो है वो लाइव हो जाएगी और कोई भी पर्सन इसको सर्च करके एक्सेस कर सकता है। सो गाइज, इसी प्रकार से आप मल्टीपल ईबुक्स को यहाँ पर फ्री में प्रमोट कर सकते हैं और ऑटो पायलट मेथड में आप अपने एफिलिएट लिंक्स पर ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपकी ईबुक अच्छी होगी, आपने अच्छा एसईओ किया होगा उसका, तो आपकी ईबुक जो है वो गूगल में भी अपीयर हो सकती है, तो ऐसे में आपको वहां से अच्छा ट्रैफिक भी मिल सकता है। सो गाइज, आई होप आज की इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी शेयर की है डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी और आपको पूरी चीजें क्लियर होगी होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली वहां पे रिप्लाई करूंगा। मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वैल्यूएबल वीडियोस हर रोज फ्री में मिलती रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।